हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए डेली बेस पे अच्छे प्रोडक्ट्स और जो आपको यूज़फुल हो सके ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, और शुद्ध हिंदी में हम आपको पूरा अनबॉक्सिंग और पूरा डेमो करके आपको बताते हैं। उसी के चलते हुए आज हम और एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो कि एक डेली कंपनी का एक पूरा बॉक्स है। 123 पीस का सॉकेट सेट है, और इसको हम ब्रेक डाउन किट भी कह सकते हैं। ये एक छोटी हमारी गैरेज का पूरा सामान है। ये फोर व्हीलर वालों को भी उपयोग में आएगा और टू व्हीलर वालों के भी उपयोग में आएगा। और अगर कोई बहुत अपने घर में गाड़ी वगैरह ठीक करने का अगर आपका कामकाज है, अगर आप काम करते हैं घर में कोई DIY का, या अपने घर की अपनी गाड़ी की मरम्मत आप खुद ही करते हैं, तो ये आपके लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि इसके अंदर सारे सामान आपके सेफ़ रहेंगे और एक जगह पर रहेंगे। तो अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लाल बटन ज़रूर दबा दें सब्सक्राइब का वाला। हमारे यूनिक व्यूवर्स बहुत है जो हमें देख के चले जाते हैं, हमें अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब बॉक्स को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये डेली जो लिखा हुआ है, और बाजू में एक चाइनीज़ जो शब्द लिखा हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास जो स्टैनली कंपनी जो आती है, वो स्टैनली कंपनी का ये जो कंपनी है ये उसको मैन्युफैक्चर करती है, और स्टैनली कंपनी आउटसोर्सिंग करवा के ये कंपनी के पास बनवाती है अपना सामान। ऐसा हमें रिसर्च करने पर पता चला है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है, पूरा हार्ड फाइबर का बॉक्स है। यहाँ पर रबर की ग्रिप दी हुई है, एकदम सॉफ्ट वाली रबर की ग्रिप है, और ये ग्रिप ऊपर से नहीं दी हुई है, इसको भी बोल्ट से अंदर कसा हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए पूरी यहाँ पर भी मिजाग्रे वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसको ऐसे खड़े भी रख सकते हैं आप। लॉक वगैरह भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के है। अब मैं आपको पूरी डिटेल एक एक पाना खोल के मैं आपको बता दूंगा। अभी भी जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही शाइनिंग वाला पूरा प्रोडक्ट है हमारे पास, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। स्टैनली की टक्कर पूरा हैंडल, रबर वाली ग्रिप का हैंडल यहाँ पर कसा हुआ है, और रेचड़ भी इसमें तीन है, 1 2 3, तीन रेचड़ है। इतने बहुत ही बढ़िया ये पूरी किट, ब्रेकडाउन किट और ये सॉकेट किट होने वाली है। हर तरीके के ये स्टार वाले जो ई बोल्ट कहते हैं, ई बोल्ट जो अभी नई मर्सिडीज और बड़ी बड़ी जो अभी नई गाड़ियों में आ रहा है, फिर एक्स्ट्रा के लिए आपको ये सारे बिट्स दिए हुए हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, कोई इसमें आपको कोई चीज़ आपको बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ आपको यहीं से मिल जाएगी। और ये एंगल वाले जो अटैचमेंट है, ये भी आपको तीन अलग अलग मिल रहे हैं, 1 2 3, और ये आपको सारे रेचड में मिल जाएंगे। ये आपका 1 पॉइंट आधे का रेचड मिल गया आपको, ये 1.4 का, 1.3 का रेचड मिल गया आपको, और ये पूरा 1 इंची का आपको आधे का कंप्लीट आपको 1 इंची का रेचड मिल गया। तो कोई चीज़ कमी नहीं है। एक बार आपने ये पेटी ले ली, आपको कोई इसमें बाहर से कोई भी सामान लेना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ में आपको, अब वन बाय वन बैक टू बैक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे एक पाने से। देखिए CRV का पाना है, डेली करके इसका ब्रांडिंग है, और ये 8 नंबर का पाना है। इसके अंदर एक तरफ फिक्स पाना आएगा, एक तरफ रिंग पाना आएगा, देख सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। इसके बाद आपको ये आ गया 9 नंबर, ये आ गया आपका 10 नंबर, 11 12 13 14 रिंग पाना, फिक्स पाना 15 16 17, ये हमारा 18, बढ़िया क्वालिटी है। शाइनिंग वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे, फुल शाइनिंग है, ये मैट लुक में नहीं है। शाइनिंग का एक फ़ायदा क्या होता है, व्यूवर्स पूछते हैं कि भाई ये इसमें स्क्रैचेस वगैरह आएगा, तो भाई ये बहुत ही हार्डनर वाले पाने होते हैं, इसमें स्क्रैचेस वगैरह कुछ नहीं आएगा, जरा भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा आ गया 19, एक तरफ रिंग और एक तरफ फिक्स, मस्त क्वालिटी का है, बढ़िया है, आपका सारा काम इसमें निपट जाएगा। साइड पे रख देते इसको। अब इसके बाद हम सॉकेट की पूरी चर्चा कर लेते हैं, रेचड़ को अभी साइड पे रख देते हैं। यहाँ से हमारे पास 32 नंबर का सॉकेट है,
और सॉकेट की आप पोजीशनिंग देख लो, ये मैंने तो इसके पहले हम लोग याटो वगैरह का अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, उसके अंदर जो सॉकेट होते हैं वो जो ये लगने वाला हिस्सा होता है ये बाहर की तरफ होता है, मगर ये अंदर की तरफ है, देख लीजिए आप, ये ऐसे लग जाएगा और आवाज़ आप सुन पाएंगे, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ आवाज़ बहुत ही एकदम कड़क आवाज़ है इसका। सॉकेट की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, देख लीजिए आप, अंदर से दिया हुआ है, इतने आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो दांते हैं इसके अंदर भी 72 टीथ वाला ये पूरा रेचर्ड है, ये भी रेचर्ड 72 टीथ का है और इसके अंदर टीथ कम हो जाते हैं, मगर ये जो टीथ का जो काम होता है इसमें क्या होता है कि आप एकदम महीन जगह पे भी काम करते होंगे तो हल्का सा भी आपको उठाने का मौका मिला तो आप उसको उठा के वापस टाइट कर सकेंगे। जरा उठाया आपने, एक टीथ भी आपका अटक गया तो आप उसको उठा के वापस उसको टाइट कर पाएंगे, तो बहुत ही उपयोगी रेचर्ड लगता है ये। ये हमारा एक का रेचर्ड है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 30 नंबर, 27, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9, यहाँ पे स्टॉप है, लास्ट वाला सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। ये वाले सारे बेस आपको प्लेन मिलेंगे, इसके अंदर आपको जैसे रेगुलर हमारा सॉकेट आता है वैसे ही आपको ये सॉकेट मिल जाएगा। और यहाँ ये कहाँ तक मिलेगा आपको फिक्स वाला, ये आपको फिक्स वाला मिलेगा तकरीबन 20 mm तक का आपको फिक्स मिलेगा, उसके बाद आपको इसका जो पीछे वाला सिरा होगा वो उभरा वाला मिलेगा। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, देख लेते एक बार सारे निकाल के कौन से फिक्स मिलेंगे। सारे फिक्स है, सारे सारे उभरे हुए सिरे, बस ये छोटा वाला सिर्फ ये सिरा इसका अंदर बैठा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हमारे जो रेचर के अंदर लगने वाले हैं, जो ये आधे का जो हमारा 1.2 का जो रेचर होता है एकदम छोटा वाला आधे का जिसको रेचर बोलते हैं, इसके अंदर हमारे पास कौन से सॉकेट मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास 13 नंबर से सॉकेट शुरू होता है, इसकी भी बहुत बढ़िया ग्रिप है, आवाज़ आपको आ रही होगी, टीथ वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये ब्रांडेड चीज़ होती है उसको पता चल ही जाता है ये क्वालिटी वगैरह, जैसे हाथ में लेंगे तो आप मार्केट में 100-200 वाला रेचर हाथ में लेंगे और ये रेचर हाथ में लेंगे, इसका भी काफ़ी वजन है, हैवी है रेचर, तो ये आपको हाथ में लेते ही पता चल जाएगा कि ये कितनी हैवी क्वालिटी का है। तो बढ़िया क्वालिटी है ये, सब क्रोम में, पूरा क्रोम में, और CRV मटेरियल है ये। ये CRV मटेरियल क्या होता है कि पूरा हार्डनर किया हुआ रहता है और ये ज़्यादा टूटता नहीं है, आप इससे रेचर से कुछ ठोक भी देंगे कभी कभी तो ये टूटेगा नहीं, और या तो ये ख़राब भी नहीं होगा ऊपर, क्योंकि CRV मटेरियल होता है, इसको हार्डनर किया हुआ होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। यहाँ पे हम देखेंगे 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4, लास्ट में आपको 4 का मिल जाएगा, 4 का अंदर फंस गया है, उसको मैं निकाल लेता हूँ, ये देखिए 4 का सबसे छोटा चिंटू मिंटू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही छोटा है 4 का। ये अल्टरनेटर और बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी की कॉइल वगैरह जो खोलते हैं, अल्टरनेटर खोलते हैं, उनको ये पूरा काम लगेगा। 4-व्हील और 2-व्हील वालों के लिए तो वरदान रूप है ये किट, अगर वो एक किट ले लेंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर इतना बड़ा किट है अभी कस्टमर व्यूअर्स को ऐसा लगेगा ये बहुत ही महंगा होगा, मगर प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ 13,500 रुपये का किट है, 13,500 रुपये का किट है। ऊपर मैंने किंग टूल्स का एड्रेस वगैरह सब चीज़ डिटेल मोबाइल नंबर में मैं डाल दूंगा, अगर आपको मंगाना हो और इससे ज़्यादा भी कोई प्रोडक्ट आपको दूसरे 4-व्हील का किट मंगाना हो, 2-व्हील का किट मंगाना हो, तो आप किंग टूल सूरत का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और एक बार ज़रूर अगर आप गुजरात में रह रहे हैं तो एक बार ज़रूर हमारी शॉप का विजिट कीजिए, फैजल भाई और अबू भाई आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपको कोऑपरेट करेंगे, और फ़ोन के ऊपर आपको हसन भाई मिल जाएंगे, वो भी आपको बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अब हम ये छोटे वाले बीट्स पे आ जाएंगे, ये खास करके जो बीट्स है ये हमारे ये वाले सॉकेट में लगेंगे हमारे, और ये सब स्क्रू वाले सॉकेट है, ये पूरे फिक्स है, ये बाहर नहीं निकलेंगे, इसको गर्म करके डाला हुआ है और पूरे टाइट ये बैठ जाएगा, ये निकलेगा नहीं, ये भी सारे अल्टरनेटर में ही लगते हैं ये। और इंजन वगैरह के अंदर PH2 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, PH2 PH मैं एक बार लाइट मार देता हूँ पता चल जाएगा, देखिए PH1 PH2 PZ1 PZ2 PZ1 PZ2 PZ2 T
T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60, H3, H4, H5, H6, SL5, ये नया अभी वेरिएंट आया है, SL5, SL6 और SL6.5, बहुत ही बढ़िया है। सारे आपके जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको सारे बोल के बता रहा हूँ कि आपको अगर आप फटाफट में हो, अगर आप देख नहीं पावे मोबाइल के अंदर, आपको दिख ना पावे, तो आप बोल के भी इसके अंदर पता चल जाएगा आपको। ये एक यहाँ पे सॉकेट भी दिया हुआ है। ये बेसिकली क्या काम में आएगा, ये आपको ये आपका इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, और इसके अंदर आप ये बड़े वाले सॉकेट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या बात है, ये सॉकेट अंदर दे दिया है और एक भी सॉकेट इसमें आई है, सारे कवर करके रखा हुआ है इसके अंदर। मैं आपको उपयोग भी पूरा बता दूंगा। अभी जैसा कि हमको 32 का नट ये छोटे वाले रेचर से टाइट करना है, तो वो तो इसमें घुसेगा नहीं, यहाँ पर ऐसे घुसेगा नहीं, तो उसके अंदर ये लोगों ने क्या है, बहुत होशियारी की है और होशियारी से कंपनी वालों ने सॉकेट दे दिया है। सॉकेट लग गया, बढ़िया। इतने आप छोटे वाला काम भी अगर करना हो, वैसे तो बड़ा ही लेना चाहिए, मगर कभी छोटी जगह में अगर आपको काम करना हो तो आप आसानी से कर दे। और एक बहुत ही अच्छा काम किया है लोगों ने, ये छोटे वाले सॉकेट के अंदर आप और भी छोटा काम कर सकते हैं। ये वाले सॉकेट के अंदर आपने ये बीट लगा दिया और इसके अंदर आपने ये छोटे वाले बीट लगा दिए, बिल्कुल माइनर काम कर सकते। हाँ, ये भी लग जाएगा आपका कंप्लीट। ये छोटे का भी अगर आपका ये इसको यूज नहीं करना है, बहुत जगह आपके पास है यूज करने के लिए, तो आप ये भी लगा सकते हैं। अटैचमेंट लगा दीजिए आप, आपको दिया हुआ है ऑलरेडी अटैचमेंट, और ये भी कंप्लीट। यहाँ पे जो बॉल बेयरिंग होता है वो भी दिया हुआ है लॉक के लिए, अच्छे से फिटिंग भी हो जाता है, लूज वगैरह भी नहीं होता है, तो अटैचमेंट की कोई कमी नहीं है, भरपूर अटैचमेंट दिए हुए हैं, कोई काम आपका रुकेगा नहीं यहाँ पर। और ये सॉकेट आ गया दूसरा, यहाँ पे एलिंग की भी दिए हुए। ये हमारा, ये भी बता दूँ मैं आपको, ये यूनिवर्सल आपका फिल्टर खोलने वाला है, ये जिससे आप यूनिवर्सल फिल्टर खोल पाएंगे। तो दोस्तों, अगला प्रोडक्ट है हमारा ये ऑयल फिल्टर खोलने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फोर व्हील वालों के लिए भी किट बहुत ही बढ़िया किट है, तो ये ऑल इन वन ये आपका फिल्टर है। चाहे आपकी स्विफ्ट गाड़ी हो या तवेरा हो या इनोवा हो, कोई सी भी आपकी गाड़ी हो, ये उसमें फिट हो जाएगा और अपने आप उससे मैनेज हो जाएगा। कोई व्यूवर्स ऐसा पूछते कि भाई ये इससे फिल्टर फट जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, फिल्टर नहीं फटता है। बहुत से हमने फिल्टर ये वाले पाने हम लोगों शॉपर से भी बेच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। आप अगर लूज करेंगे तो लूज भी हो जाएगा, टाइट करेंगे तो टाइट भी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका मैकेनिज्म है, बढ़िया काम करता है, ये आपका काम निकल जाएगा। इसको साइड पर रख देते, इसके बाद हम आ जाते हैं एलेंकी के ऊपर। देखिए एलेंकी के ऊपर भी कंप्लीट मार्किंग की हुई है, 1.5 से लेके 5 तक की यहां पर मिल जाएगी आपको, और 6, 8 और 10 आपकी यहां पर मिल जाएगी। अब ये वाली एलेंकी के अंदर आपको एक फायदा बता दूं, ये ड्यूल एलेंकी है। यहां से एलेंकी अभी नई गाड़ियों के अंदर बोल्ट आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, ऊपर से राउंड होता है। एलेंकी तो होता ही है मगर राउंड होता है। ये एमएम तो 10 ही गिनाएगा मगर आगे जाके आप उसको क्रॉस में करके भी आप उसको खोल पाएंगे, और यहाँ पे आपका फिक्स होता है पूरा 10 mm का, यहाँ पर होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 10 mm, और ये पीछे से राउंड होता है, वो भी होल्ड करने के लिए भी बहुत ही अच्छी सी पॉकेट दिया हुआ है होल्ड करने के लिए। रोको एक मिनट, ये आपको बाइक वगैरह के अंदर भी काम लगेगा, कि बाइक के अंदर मीटर वगैरह खोलने होते हैं तो ये एलेंकी बोल्ट उसमें भी काम लगते हैं। और ये 10 mm तक का है, ये 8 mm है और ये 10 mm है। एक सबसे बारीक वाला भी मैं आपको निकाल के बता दूं, 0.5, कितना बारीक है। और इसके अंदर भी पीछे बहुत ही बारीकी से 1.5 भी दिया हुआ है, देख सकते हैं बिल्कुल मेरे नाखून में आ रहा है, बहुत बारीक है, बहुत अच्छे से बनाए हुए, पूरी डिजाइन बहुत ही अच्छे से की हुई है पूरी पेटी को। और यहाँ पे लंबे वाले जो सॉकेट है, ये खास करके खाला तब मत आया करो, तुम्हारे को एक वक्त ना के दिया ने मैंने, तुम्हारे नहीं आने का, माफ करो। तो दोस्तों, ये हमारे बुमली पाने के पूरे सेट है। अब बुमली पाना किसको बोलते हैं, कि एक्टिवा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइक के लिए भी ये किट बहुत ही वरदान रूप है। तो बाइक वाले क्या करते हैं कि बाइक के अंदर अगर उनको काम करना हो, बुमली पाना हो, जैसा कि एक्टिवा वगैरह के हमारे को नटे खोलनी हो, तो ये 8 नंबर का जो हमारा बॉक्स है ये उसमें लग जाएगा। 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 12, 13, 14, 15 और 17। 17 के अंदर आप क्या है कि आप हो सकता है कि आपको प्लग पाना खोलना हो, प्लग खोलना हो, तो ये
प्लग पाने का भी उपयोग में देगा आपको, और एक डेडिकेटेड प्लग पाना भी आपको अलग से मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। ये फोर व्हील किट भी किट के है, तो इसके अंदर आपको प्लग पाना भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको अंदर रबर दिया हुआ है। मैं आपको लाइट मार के बता दूं, इसके अंदर रबर दिया हुआ है, तो जिससे आपको क्या है कि खोलने में आसानी हो। देखिए अंदर रबर है, आपको दिखाई देगा कि अगर आपका कोई कोई गाड़ी ऐसी होती है कि जिसके अंदर आपको अंदर जा नहीं पाता, तो उसके अंदर क्या है कि ये डालेंगे रबर के अंदर फंस जाएगा प्लग, और निकालेंगे तो साथ में ये पाना भी आ जाएगा। यहाँ पे भी आप इसका अटैचमेंट कोई भी लगा सकते हैं, ये इसके अंदर आप दूसरा अटैचमेंट भी लगा के आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर चीज में एकदम कॉम्पेटिबल है ये, और इसके अंदर आपको एक बड़ा वाला भी पाना मैं आपको बता दूं कहाँ पर है, ये रहा जो 21 mm का है, और पीछे से आपका ये आधे आधे का लग जाएगा। अभी आधे का क्यों लगेगा व्यूअर्स पूछेंगे, तो ये क्या है कि प्लग पाना, प्लग जो खोलना होता है हमें गाड़ी का स्पार्क प्लग, वहां पे जगह बहुत कम होती है, तो ये बड़ा वाला रेचर वहां पे घुस नहीं पाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर छोटे वाले रेचर का पूरा अटैचमेंट दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया अटैचमेंट हो जाएगा ये, पीछे से दबा के निकालना है, पीछे से दबा के निकालेंगे निकल जाएगा। वो तो अक्सर लोगों को पता ही होता है, मगर हम बता देते हैं कि अगर आपको समझना हो तो समझ सकते हैं। और आगे के अंदर मैंने आपको 17 तक के कंप्लीट लगा के बता दिए, ये भी हमारे आधे के अंदर ही आपका लग जाएगा, देख सकते हैं आप। और इसमें अब मैं आगे वाले इस वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट स्क्रू है और हैवी पेची है, देख सकते हैं आप। ये प्लस वाला है, 100 mm का ये पेचिया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, देखिए। और ये हैमर वाला है भाई, ये हैमर वाला है, यहां से आप इसको ऐसे ठोकेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा अगर प्लास्टिक होता है यहां तक, तो ये प्लास्टिक पूरा अंदर घुस जाता है, प्लास्टिक फट जाता है, तो फटेगा नहीं है इसको आप ठोक, तो ये डायरेक्ट यहां पर हैमर का माल लगेगा। आपका बोल्ट खोलना भी होगा तो वो खुल जाएगा। ये आपको एक प्लस वाला मिलेगा और ये माइनस वाला मिलेगा, माइनस वाला भी आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पर पीछे से आप हैमर भी मार सकते हैं इसको, पीछे से आप हैमर भी मार सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया है। और एक आपको टेस्टर मिलेगा, ये लाइन चेक करने के लिए टेस्टर होता है, ये लाइन चेक करने के लिए। अगर आप फोर व्हील का काम है या टू व्हील का काम है, अब तो BS6 का गाड़ी आ गया है, तो उसके अंदर तो क्या है कि हर गाड़ी के अंदर आप सब सेंसर लगा देते हैं, तो अगर आपकी लाइन के अंदर वायरिंग के अंदर कहीं भी पंचर है, तो ये आपको आपकी बैटरी के अंदर अर्थिंग की तरह के आपको लगा देना है, और लाइन अगर आप उसको चेक करेंगे तो लाइट ब्लिंक करेगा यहाँ पर, जिससे आपकी लाइन में अगर पंचर होगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। लाइन के अंदर से करंट नहीं आता होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ होंगे वो छोटे पहले जुगाड़ू होते हैं, जो दो बल्ब लगा के मीटर के अंदर बल्ब लगा के भी काम करते हैं, तो ये उससे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, अच्छा आपका काम निकलेगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आप कस्टमर के सामने काम भी करेंगे तो आपको रेपुटेशन बढ़ेगा कि नहीं सारा काम ये बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और सामान इनके पास भरपूर है तो अच्छी क्वालिटी है। और इसके बाजू में ऑटो टेस्टर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक आपका क्या नंबर दिया हुआ है, S2T52 दिया हुआ है। ये अक्सर क्या होता है, बड़ी बड़ी जो अभी गाड़ियां आ रही है ना, इसके अंदर जो सीट वगैरह होती है वो इससे फिट किया हुआ होता है, तो क्या हर कोई उसको खोल नहीं पाता, तो उसका भी ध्यान रखा हुआ है कि अगर फोर व्हील वाला ये किट को परचेस करता है तो ये भी उसके अंदर S2T52, ये अक्सर बाहर आपको मिलेगा नहीं, ये ऐसी किट वगैरह के अंदर ही आपको मिल जाता है। तो साइड पे रख देता हूं मैं, और उसके बाद हम छोटे मोटे हमारे जो बच्चा पार्टी है उनके पास आ जाते हैं। और ये सारे आपको मैं बता दूं रेचर कितने हमारे पास, 1, 2, 3, और उसके ही सामने लगने वाले अटैचमेंट भी आपको बता दूंगा मैं, ये एक इसमें लग जाएगा, एक सब चीज का ध्यान रखा हुआ है, ये 2 नहीं है इसमें नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला हमारा इसमें लग गया 2, और ये छोटे भाई इसको भी नाराज नहीं करना है, इसके अंदर भी अटैचमेंट दिया हुआ है, इसको भी नाराज नहीं हो जाए ये भी कि मेरा अटैचमेंट नहीं दिया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा डिजाइन किया हुआ है, ये वाले के अंदर भी आपको छोटा वाला भी सारे दे दिए, देख सकते हो एक्स्ट्रा के 2, कोई आपका बाहर से लेना नहीं है, सब चीज आपको मिल जाएगी, ये भी आपको लग जाएगा। 123 पीस है, और 123 पीस है, ये अटैचमेंट लग गया, और भी अगर आपका ये क्या, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इसके बाद तो अब कोई बचता ही नहीं है, ये वाला अटैचमेंट भी इसके आगे लग जाएगा, देख सकते हैं आप। और ये वाले अटैचमेंट के आगे आपका ये लग जाएगा, सबके 2-2 हो गए, सबके 2-2, कोई नाराज नहीं होगा, सबको दे दिया है, 2 इसने ले लिया, 2 इसने ले लिया, 2 इसने ले लिया। तो भाइयों दोस्त बहुत ही बढ़िया किट को डिजाइन किया हुआ है, और इसके आगे मैं आपको एक एक ये भी लगा के बता देता हूँ मैं, मूवेबल है ये,
ये आपका एंगल वाला है, अगर आपको कोई गलत एकदम छोटी वाली जगह में अगर आपको एंगल पे काम करना है ये, और ये हमारा आधे का है और उससे बड़ा हमारा एक का है, बढ़िया है, हर काम हमारा पूरा हो जाएगा, बढ़िया क्वालिटी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और ये साथ में सबसे लास्ट में हमारे बीट तो रह गए हैं, ये हमारे बीट कहाँ लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूं, एक पेंचे हमारा रह गया है, ये देखिए ये सारे एकदम छोटे मोटे है, ये लग जाएंगे, इसके लिए भी डेलीगेटेड एक दिया हुआ है, ये रहा होगा, ये पूरा पेचा ये अभी रह जाता उताल में। और ये कैसे लगेगा मैं आपको बता दूं, ये हमारा पीछे भी लग जाएगा और ये हमारे पास बीड है इसका, ये बीड है और ये ऐसे लग जाएगा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। और ये वाला बीड हमारे आधे में भी लग जाएगा, वाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉम्बिनेशन, बहुत कॉम्बिनेशन बहुत है आपको, कोई कॉम्बिनेशन में ये अगर आपने ले लिया तो आपके बाजू वाले गैरेज में अगर कोई अच्छा सामान है तो कोई भी आपको स्पेशल टूल छोड़ के, जैसे कि हमारे व्यूअर्स को बता दूं टू व्हील और फोर व्हील वालों के लिए कि हमारे पास टू व्हील और फोर व्हील और थ्री व्हील और ट्रैक्टर वगैरह और ट्रक वगैरह के लिए स्पेशल टूल की बहुत बड़ी रेंज है। अगर आपको हमसे बात करनी है या वीडियो कॉल्स के माध्यम से अगर हमारे पूरे शॉप का विजिट करना है तो हमारी ज्वाइन बटन को दबाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, तो हम आपको स्पेशल पूरी दुकान का टूर करवाएंगे और जो जो सामान है हमारे पास है वो आपको बता देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाल बटन को जरूर दबा दे। जो हमारे यूनिक व्यूअर्स है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लाल बटन को दबा के हमें खुशी दे, धन्यवाद, थैंक यू। एक मिनट, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को।